सीमेंट के क्षेत्र में बुलंदियों को छू रही कनोडिया ग्रुप ऑफ कंपनी द्वारा रविवार को सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। बुलंदशहर के भूड़ चौराहे के निकट विजय बैंकेट हॉल में व्यावसायिक सहयोगियों का सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में अलीगढ़, बुलंदशहर, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली सहित पश्चिम उत्तर प्रदेश के 400 से अधिक कंपनी के सहयोगियों ने भाग लिया। समारोह का उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद आशुतोष शुक्ला ने दीप प्रज्वलित कर गणेश वंदना के साथ किया। इस कार्यक्रम में उन सभी लोगों को उपहार व शील्ड देकर सम्मानित किया गया जिन्होंने कंपनी के बिग सैम सीमेंट और ब्लू स्टार सीमेंट की गत वर्ष बिक्री में विशिष्ट योगदान दिया है। विजेताओं में मुख्य रूप से राशिद मलिक ट्रेडर्स मेरठ और ओम बिल्डिंग मटेरियल गवां इत्यादि रहे। पिछले साल में सीमेंट की अधिक बिक्री करने वाले व्यापारियों को प्रथम पुरस्कार के तौर पर रॉयल इनफील्ड मोटरसाइकिल और टीवीएस अपाची, बजाज पल्सर, स्कूटी, एयर कंडीशनर, स्मार्ट एलईडी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जैसे 100 से अधिक पुरस्कार प्रदान किए गए। कंपनी के अनुसार कनोडिया ग्रुप सीमेंट निर्माण और मार्केटिंग के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण स्थान बना रहा है। विक्रम अग्रवाल ने बताया कि कनोडिया समूह वर्तमान समय में अपने 4 प्लांटों के साथ लगभग 3 मिलियन टन प्रतिवर्ष उत्पादन की क्षमता रखता है, जो तेजी से लगातार बढ़ता जा रहा है। इस अवसर पर कंपनी के डायरेक्टर मनोज कनोडिया, लाइजनिंग मैनेजर आशीष मिश्रा सहित अंकित बंसल, गंगन चौधरी, आशीष सिंह, संजीव यादव, सुधीर चतुर्वेदी आदि कंपनी के एम्प्लॉयज उपस्थित रहे। टाइम 24 न्यूज के लिए बुलंदशहर से हामिद सेफी की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।